फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन बच्चों का जिनका पैसा नहीं आया है या जिनका मेरिट लिस्ट नहीं बना है, जिनका सेंड टू PFMS तो हो चुका है लेकिन PFMS रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, जिनका PFMS पे रिकॉर्ड भी दिखा रहा है वो बच्चे क्या करे। NSP 2023-24 जो फॉर्म आपका ओपन हो चुका है, क्या उसमें आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे फ्रेश एप्लीकेशन को भरेंगे या रिन्यूअल एप्लीकेशन को भरेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मेरिट लिस्ट भी नहीं बनी है, और मेरिट लिस्ट बन छोड़ो कि उनको 5-7 महीने से एक ही स्टेटस शो कर रहा है। क्या उन बच्चों को इंतज़ार करना चाहिए कि बच्चे अब स्टेटस चेंज होगा, या NSP 2023-24 में वो अप्लाई करें? कौन से में फ्रेश अप्लाई करें, रिन्यूअल अप्लाई करें, सारी चीज़ों को समझाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। जिनका पैसा नहीं आया वो क्या करें NSP 2023-24 में, वीडियो को एंड तक देखना, सारे केसेस समझाऊंगा। 7-8 केस है, वो 7-8 केस में आपका केस भी आ जाएगा उसके अंदर ही, जिससे आप इस वीडियो को पूरा समझ जाएंगे और यहाँ पर आपको अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट केस को समझते हैं कि फर्स्ट केस क्या है और क्या चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट केस यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, तो ये फर्स्ट केस मैं यहाँ पे लिया है, उसके बाद धीरे धीरे 7-8 केस है वो भी समझाएंगे। अब जैसे ये है, इस बच्चे का एप्लीकेशन टू PFMS फॉर पेमेंट हो चुका है, आप देख सकते हो सारा वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है, टोकन नंबर भी जनरेट हो चुका है नीचे लास्ट में। ठीक है, लेकिन अब ये बच्चा क्या करे, क्वेश्चन मार्क ये आता है। अगर आपका ऐसा स्टेटस सेंड टू PFMS हो चुका है, PFMS रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, तो आप समस्या है कि सर हम NSP में फ्रेश एप्लीकेशन को अप्लाई करें, जो फ्रेश एप्लीकेशन आप यहाँ देख रहे हो ये अप्लाई करें, या रिन्यूअल एप्लीकेशन अप्लाई करें, या कुछ भी अप्लाई नहीं करें जब तक पैसा ना मिले, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपका चाहे आप रिन्यूअल है चाहे आप फ्रेश है, अगर आपका सेंड टू PFMS भी अगर हो जाता है तो यू आर एलिजिबल फॉर रिन्यूअल सेशन नेक्स्ट ईयर। जो सेशन नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2023-24 वाला सेशन है, इसमें आप 2023-24 रिन्यूअल करने के लिए एलिजिबल हो गए हो। बकायदा कब? जब आपके रिन्यूअल में या सेंड टू PFMS में टोकन नंबर जनरेट कर दिया गया हो। ये प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट है तो आपको भले ही पैसा ना मिला कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो पैसा आपका धीरे धीरे आ जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो आपका आंसर आपको मिल गया इस फर्स्ट केस में, आप रिन्यूअल कर सकते हो 2023-24 में। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो में लेके आता हूँ यहाँ पे, ये वाले स्टूडेंट का, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये स्टूडेंट है, अभी ये बच्चा है वेस्ट बंगाल, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विद स्टेट ऑफिसर, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स का लग रहा है आई थिंक। हाँ, और ये इस बच्चे का देख सकते हैं एप्लीकेशन अंडर वेरीफाई या सोच चुका है, लेकिन NSP 2 PFMS नो दिखा रहा, रिन्यूअल का स्टूडेंट है। अब क्या ये बच्चा NSP 2023-24 में क्या फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करेगा या रिन्यूअल अप्लाई करेगा? अब यहाँ समझिएगा, अब ये बच्चा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज की डेट को अभी ओपन नहीं किया गया, जैसे आप देख रहे हो साइड डेट ओपन क्लोज की गई है, ना फ्रेश का ओपन है ना यहाँ पे रिन्यूअल का ओपन है। तो इस स्थिति में इस बच्चे को अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं है माइनॉरिटी केस में, ना बच्चा फ्रेश अप्लाई कर सकता है ना बच्चा रिन्यूअल अप्लाई कर सकता है, जब तक इस बच्चे का रिन्यूअल में सेंड टू PFMS का यस नहीं हो जाता एटलीस्ट, और टोकन नंबर जनरेट नहीं हो जाता, तब तक ये बच्चा ना तो फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है ना बच्चा रिन्यूअल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। हालांकि अगर मान चलो माइनॉरिटी का अगर डेट ओपन भी हो जाता NSP 2 PFMS अगर यहाँ पे नो होता, तो ये बच्चा फिर भी अप्लाई नहीं कर पाता, ना रिन्यूअल अप्लाई करता ना इस बच्चा फ्रेश अप्लाई कर पाता। ठीक है, जब तक क्यों इसका PFMS का आगे यस नहीं हो जाता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी माइनॉरिटी केस में कोई भी सारे ऑप्शन बंद है, बस आप माइनॉरिटी वाले वेट कर सकते हो कि पेमेंट कब तक आएगा। पेमेंट बहुत जल्द आपका एज सून एज पॉसिबल 15 से 20 अक्टूबर के बीच आपका टोकन नंबर कहीं ना कहीं जनरेट हो सकते हैं उम्मीद है, बाकी देखते हैं। अभी ये एक बच्चा है, इसका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस वेरिफिकेशन स्टेट ऑफिस दिखा रहा है। अब इसके आगे देखो मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक शो कर रहा है, पूरा काफ़ी टाइम से मेरिट लिस्ट के आगे हमारा ब्लैंक शो कर रहा है। क्या हमें इंतजार करना चाहिए, क्या हमें इंतजार करना चाहिए? ऐसे काफ़ी सारे भाई होंगे, ऐसे CSS के भाई होंगे, ऐसे काफ़ी सारे भाई होंगे जिनका मेरिट लिस्ट के आगे कैपिटल लेटर में नो लिख दिया गया है, या ऊपर लिख दिया गया यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट, इस प्रकार का कुछ ऑप्शन अगर लिख दिया गया है आपके, ठीक है समझिएगा। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा, 7-8 महीने हो चुके हैं, यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट आ चुका है, या मेरिट लिस्ट के आगे कैपिटल लेटर में नो आ चुका है, तो उस स्थिति में आप NSP में जो फ्रेश एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना फ्रेश एप्लीकेशन मतलब दोबारा से फॉर्म अप्लाई करेंगे, और हमें से ये देखने मिला है लास्ट ईयर बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन इस बार जब बच्चा फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करता है उसका 101% सिलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि तब मेरिट कुछ और जाती है, और जब वो बच्चा अभी अप्लाई करता है तब मेरिट कुछ और जाती है, तब कमर्शियल कुछ और रहता है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिला है, ये चीज़ मैं आपको
बता रहा हूँ लास्ट 4 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, अब एक बात समझिएगा, जिनका स्टेटस चेंज हो सकता है, जैसे लगेगा उनकी अभी मेरिट लिस्ट नहीं है, जैसे ईशान उदय केस में बच्चे हैं, जैसे ईशान उदय केस में मेरिट लिस्ट नहीं आई है, उनका ब्लैंक शो कर रहा है, तो बच्चे अभी फ्रेश एप्लीकेशन बिल्कुल मत अप्लाई कीजिए। अगर आपने गलती से फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया तो ये समझिएगा आपका प्रीवियस वाला फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट नहीं बना है पहले का, ठीक है। अभी ईशान उदय स्कॉलरशिप की मेरिट लिस्ट नहीं आई है, जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आती तब तक आप वेट कीजिएगा। मेरिट लिस्ट अगर आ जाती है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अभी से अप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्म दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों ही केस में आपका जो इंतजार है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीकी से आपको समझा रहा हूँ किसको अप्लाई करना है किसको नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं एक और केस बताता हूँ जो आप समझिएगा, जिनका पैसा नहीं आया वो क्या करें। तो जिनका पैसा नहीं हो, फर्स्ट ये है कि अगर आपका सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पीएफ में रिकॉर्ड भी दिखा रहा है, तो आपको वेट करना है और आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर लेना, आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज, अगर आपका यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट के आगे कैपिटल लेटर में नो लिखा हुआ आ चुका है, तब भी आप उस केस में फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, मतलब फ्रेश न्यू रजिस्टर कर सकते हो। तीसरा केस, अगर आपने एनएसपी स्कॉलरशिप कभी भी अप्लाई नहीं किया, पहली बार अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके लिए खुला स्वतंत्र है, आप इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने से कुछ नहीं होता है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन को ध्यान रखना पड़ता है, जो हम आपको अपडेट देंगे, डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन अपडेट करना होता है, जो हम आपको अपडेट देंगे, मेरिट लिस्ट बनती है वो अपडेट देंगे, सेंटिमेंट्स कब होगा हम अपडेट देते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको यूट्यूब से ही मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का मतलब ये अप्लाई करके छोड़ दो कि सो जाओ, नहीं, अप्लाई करके अपने फॉर्म को चेक करना होता है, कब कब चेक करो, कैसा क्या अपडेट आए, इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप समझ में आ गया अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे जाके और यहाँ पे scholarshipworld.com में जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो कितने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी गई है, एनएसपी 2023 एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, तो इन डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हो देख सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो ये वीडियो को देख के फॉर्म भर सकते हो। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में ऑलरेडी आपको मिल चुकी होगी, आपके आंसर मिल चुके होंगे। अप्लाई का डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, इसमें आपका अप्लाई लिंक ही खुलेगा, और यहाँ पे अगर आप रिन्यूअल या फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट लॉगिन के साथ, तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।